एक बार की बात है, होशियारपुर नामक गांव में 5 गरीब बहनें अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। 5 बहनें अलग अलग जगह छोटी छोटी नौकरी किया करती थी और अपना और अपनी माँ का पालन पोषण करती थी। सुनीता को हमेशा अपनी बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती थी, लेकिन गरीबी के कारण 5 बहनों की कहीं शादी नहीं हो रही थी और सुनीता इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुनीता की दोस्त रेखा अपनी मौसी जमुना के साथ उसके घर आती है। अरे रेखा, तुम यहाँ कैसे? अरे सुनीता, मैं जानती हूँ कि तेरी 5 बेटियाँ जवान हो चुकी हैं और तू उनकी शादी करना चाहती है। ये जमुना मौसी है और यह भी अपने बेटों की शादी करना चाहती है। अच्छे और संस्कारी बहू की तलाश में है और मुझे पता है कि तेरी बेटियाँ बहुत ही ज्यादा संस्कारी और अच्छी हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। जमुना बहन जी, मैं आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको अपनी बेटी ही दे सकती हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। अरे ये रेखा की बच्ची मुझे कहाँ फंसा रही है, गरीबों में फटी जरों में। अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये अपनी कंपनी से हमारे शेयर निकाल देगी और यह रिस्क मैं अभी नहीं ले सकती। अब तो मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी। अरे अरे सुनीता बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपनी बेटियां दे रही हैं, इससे अनमोल चीज भी क्या कोई दुनिया में हो सकती है? हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस आपकी बेटियां ही चाहिए। सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसकी दोस्त की वजह से उसकी 5 बेटियों की शादी इतने बड़े घराने में होने जा रही है और वह अपनी बेटियों की शादी की तैयारियां करती है और एक हफ्ते के अंदर अंदर 5 बेटियों की शादी जमुना के बेटों से हो जाती है। 5 बहुएं बनकर जमुना के घर आ जाती है। इतना बड़ा घर देखकर 5 बहनें एक दूसरे के कान में कहती है, दीदी दीदी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि बिना दान दहेज के इतने बड़े घराने में हमारी शादी हो गई। यह सिर्फ और सिर्फ रेखा मौसी की वजह से हुआ है। हाँ हाँ कविता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। यह घर तो बिल्कुल महलों की तरह है। माँ हमें बचपन में कहानी सुनाती थी ना, महलों की रानी की। आज देखो, हम बिल्कुल उसी कहानी की रानी बने हुए हैं। हम यहाँ रहेंगे इस महल में। 5 बहनें अपना महल जैसा ससुराल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और वो ख्वाब बुनने लगती हैं कि तभी उनके ख्वाब को चकनाचूर करने उनकी सास आ जाती है और वह उनके गृह प्रवेश के लिए फूल नहीं बल्कि कांटे बिछाती है। तुम्हारा गृह प्रवेश करना था ना, आओ आओ मेरी प्यारी प्यारी 5 गरीब बहू जिन्होंने मेरे घर की शोभा ही बिगाड़ दी, आओ जल्दी से गृह प्रवेश करो। सासू माँ, यह फूल नहीं है, यह तो कांटे ही कांटे हैं और अगर हम इन पर चलकर अंदर आएंगे तो हमारे पैरों में कांटे चुभ जाएंगे और हमारे पैरों से बहुत खून निकलेगा, हमें बहुत दर्द होगा। मैंने जैसा कहा वैसा करो, अगर तुम कांटों पर चलकर नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप कांटों पर चलकर अंदर आओ। तुम 5 ने भी तो मेरी जिंदगी में कांटे ही बोए हैं, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी कांटों से भरी ना बना दूं तो मेरा नाम भी जमुना नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे घर में आकर। बेचारी 5 बहनों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। बेचारी 5 बहनें वो अपनी सास की बात मानकर कांटों से भरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनके पैरों से खून निकल रहा था। नई नवेली दुल्हन और उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। 5 बहनों का रो रो कर बुरा हाल था और उसके बाद 5 बहनों को एक टूटा फूटा रूम दिया जाता है और उसके बाद जमुना कहती है, तुम 5 मनहूस गरीब बहनों ने क्या सोचा था कि तुम 5 की इतने बड़े घर में शादी हो जाएगी तो रानी बनकर रहोगी? नहीं, तुम्हारी औकात सिर्फ एक नौकरानी की बराबर है, उससे ज्यादा नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ इस घर में नौकरानी बनकर रहोगी और कुछ नहीं। सासू माँ जी, अगर आपको हम 5 बहनों से इतनी ही ज्यादा परेशानी थी, आपको गरीब घर में अपने बेटों की शादी नहीं करनी थी, तो फिर आपने हम 5 बहनों की जिंदगी बर्बाद क्यों की?
क्यों बनाया अपने घर की बहू? अगर आपको हम पसंद ही नहीं थे तो मना कर दिया होता। यहाँ लाकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा? क्या माँ ने हमें कितना खुशी खुशी विदा किया कि उनकी बेटियाँ इतने बड़े घराने में जा रही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी बेटियों के साथ वहाँ जाकर कैसा व्यवहार होगा। मम्मी मम्मी देखो तो यह गरीब पांचों कितनी ज्यादा बोल रही हैं। इन्हें तो इनके औकात में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों सास और ननद वहाँ से चली जाती हैं। पांचों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था और वह ऐसे ही जख्मी पैरों से पूरी रात रोते रोते सो जाती हैं। सुबह को वह जल्दी उठती हैं और पूरे घर की सफाई करती हैं, सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। पांचों बहनें अपने अपने पति से भी बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पति भी अपनी माँ की ही तरह थे। वह भी पांचों बहनों को मुंह नहीं लगाते, उनकी बात नहीं सुनते, और अगर पांचों बहनें कुछ कहने की कोशिश करते तो वह उन्हें मारा भी करते थे। पांचों बहनों ने 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर ही अपना गुजारा किया था, और वह घर का सारा काम भी कर रही थी। इतना ज्यादा काम करने की वजह से और भूखा रहने की वजह से सबसे छोटी बहन बेहोश हो जाती है। तभी बड़ी बहन अपनी सास के पास जाकर कहती है, सासू माँ जल्दी चलिए, कविता बेहोश हो गई है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतना ज्यादा काम और 5 दिन से कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। अच्छा, तुम इतनी ज्यादा नाजुक हो, अगर 5 दिन कुछ खाओगे नहीं तो बेहोश हो जाओगी। तुम तो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से आती हो। अरे तुम्हें तो 1-1 हफ्ते तक कुछ खाने के लिए मिलता भी नहीं है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर आकर ड्रामे करने लगी हो, अगर कुछ खाओगी नहीं तो बेहोश हो जाओगी। अच्छा ड्रामा कर लेती हो, अच्छा, लेकिन तुम्हारा यह ड्रामा मुझ पर काम नहीं करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मम्मी यह झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही है, उसकी तबीयत सच में खराब है, कुछ कीजिए, अगर कुछ हो गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जमुना डर जाती है और वह अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेती है। कुछ देर इलाज के बाद कविता को होश आ जाता है और उसके बाद सपना अपनी बहन को खाना भी खिलाती है। दवाई और खाने की वजह से कविता ठीक हो जाती है। अब जमुना पांचों बहनों को इतना खाने के लिए दे रही थी ताकि पांचों बहनें जिंदा रह सकें, और वह खाना भी अपने आगे का बचा कुचा ही दे रही थी। दीदी क्या हम इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा नहीं पा सकते? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे माँ के पास जाना है। आज पूरे 2 महीने हो गए, हमने माँ की शक्ल भी नहीं देखी। दीदी हमारी शादी क्यों हुई? हमारी शादी होकर हमारी जिंदगी तो नर्क से भी बदतर हो गई। दीदी क्या हम यहाँ से निकल नहीं सकते? मेरी प्यारी बहनों, मैं भी इस नर्क जैसी जिंदगी से निकलना चाहती हूँ, लेकिन फिर माँ का ख्याल आ जाता है, माँ के बारे में सोचती हूँ। उन्होंने हमें हंसी खुशी विदा किया, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटियाँ नर्क में रह रही हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो जीते जी मर जाएंगी, और हम अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए कैसे देख सकते हैं? उन्होंने बहुत कठिनाइयों से भरा जीवन व्यतीत किया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, और हमारी शादी कर उन्हें छोटी सी खुशी मिली है। क्या हम उनसे ये छोटी खुशी भी छीन ले? नहीं मेरी प्यारी बहनों, अब हमारी किस्मत में जो लिखा है, अगर हमारी जिंदगी में संघर्ष लिखा है तो ये ही सही। मनहूस गरीबों, अगर तुम्हारा रोना धोना खत्म हो गया हो तो ये रही साड़ियाँ, अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रेखा की बच्ची आई है, जिसकी वजह से तुम 5-5 गरीब बहनें मेरे घर की बहुएं बनकर ऐश कर रही हो। और हाँ, अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पांचों बहनें अपनी सास की बात मान जाती हैं और वह साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती हैं। रेखा और सुनीता अपनी बेटियों से मिलने आती हैं और वह पांचों बहनों को सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवरों से लदा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन दोनों को पांचों बहनों के अंदर का दर्द चमक धमक में नजर नहीं आ रहा था। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, तुम तो ससुराल आकर अपनी माँ को भूल ही गयी।
देखा सुनीता, मैंने कहा था ना, तेरी पांचों बेटियां ऐश करेंगी ऐश, और तेरी पांचों बेटियां ऐश कर रही हैं। जमुना मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पांचों बहुओं को बिल्कुल बेटियां बना के रखा है, किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं। अरे रेखा, क्या तूने मुझे पुराने जमाने की सास समझा है? अरे मैं तो आज के जमाने की सास हूँ। मैंने अपनी बहुओं को अपनी पलकों की छांव में रखा है। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं रखती। मेरा मानना तो ये है, बहू और बेटे खुश रहें, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं, घूमें फिरें, ऐश करें, और मैं तो इनसे काम भी नहीं करवाती, क्योंकि घर में तो नौकरों की कमी ही नहीं है। दीदी दीदी, देखो तो ये हमारी चुड़ैल सास अपने मुंह से कैसे शहद टपका रही है। सच्चाई तो ये है कि इनका असली चेहरा सिर्फ हम नहीं देखा है। इन्होंने हमारी जिंदगी में कैसे जहर घोल रखा है। न खाने के लिए कुछ देती है, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े देती है, नौकरों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करती है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे मुँह पर तो टेप लगी है। पांचों बहनें चुप रहती हैं और उनकी माँ और मौसी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जमुना और नेहा दोबारा से पांचों बहनों के साथ उससे भी बुरा व्यवहार करती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। पांचों बहनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था। इतना ज्यादा अत्याचार कि अब वो सहन नहीं कर सकती थी। बस अब बहुत हो गया, अब हम और अत्याचार सहन नहीं कर सकते। अगर हम इसी तरह अपने ससुराल वालों का अत्याचार सहन करते रहे तो एक दिन तो हम मर ही जाएंगे। गधों की तरह काम करते हैं, पति से भी मार खाते हैं, सास से भी मार खाते हैं, ननंद से भी मार खाते हैं, और खाने के लिए भी कुछ मिलता नहीं। अब हम ऐसी जिंदगी और नहीं जी सकते। अब हमें यहाँ से भाग नहीं होगा। दीदी, हम भागकर कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे तो? आपने माँ को देखा था ना, उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, और अगर उन्होंने हमें इस हाल में देखा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। दीदी, अब हम क्या करेंगे? मैं बस इतना जानती हूँ कि अब हम इस नरक में और नहीं रह सकते। मेरी प्यारी बहनों, हमें यहाँ से भाग नहीं होगा। हमारे शरीर में और ताकत नहीं बची। अब हमें अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। अच्छे भले नौकरी कर रहे थे, माँ के साथ हंसी खुशी रह रहे थे, इस शादी ने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी। पांचों बहनें भागने का प्लान बना लेती हैं, और जब रात में सब सो रहे होते हैं तो पांचों बहनें चुपके से इस घर से भागने में कामयाब हो जाती हैं, और वह भागते भागते एक जंगल में पहुँच जाती है। थोड़ी देर के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ देर इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, सुबह होने के बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। पांचों बहनें उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ही रही थी कि तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। पांचों बहनें वह आवाज़ सुनकर घबरा जाती हैं, और वह जैसे ही उस आवाज़ का पीछा करती हैं तो एक परी पिंजरे में कैद थी, जिसे देखकर पांचों बहनें चौंक जाती हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं परी को देख रही हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो, अगर सूरज निकल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? सूरज निकलने से पहले पहले ऐसी पांच लड़कियों को ढूंढो जिनकी 6 महीने पहले ही शादी हुई हो और उनका मन बिल्कुल साफ हो, दूसरों की मदद करती हो, उनके मन में किसी तरह का कोई मैल ना हो। अगर तुम्हें ऐसी 5 बहुएं मिल जाती हैं, तो कृपया उन्हें जल्दी लेकर आओ। इस पिंजरे के नीचे जादुई 5 सूट हैं। अगर वह जादुई 5 सूट वह 5 बहु पहनेंगी तो यह पिंजरा खुल जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। परी जी, हम 5ों बहनों की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी, और हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहे। हम 5ों बहनों ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो परी 5ों बहनों की बात सुनकर खुश होती है, और वह उन्हें बताती है कि उन्हें जादुई सूट कहाँ से लेने हैं। 5ों बहनें पिंजरे के नीचे से जादुई सूट निकालती हैं और उन्हें हाथ लगाती हैं तो उनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं, और वह उस पिंजरे को आसानी से खोल देती हैं, और परी सूरज निकलने से पहले पहले पिंजरे से आजाद हो जाती है।
सच में तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारा मन साफ नहीं होता और अगर तुम लालची होती तो यह पिंजरा कभी नहीं खुलता, मैं कभी आजाद नहीं होती। तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब मैं उस चुड़ैल से अपने परीलोक को बचा सकती हूँ। तुम बहुत उदास हो, क्या हुआ, मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो? परी के इतना कहते ही पांचों बहनें अपनी आप बीती बताती हैं, जिसे सुनकर परी को भी बहुत दुख होता है। यह जादुई सूट आज से तुम्हारे हैं, इनकी मदद से तुम अपने ससुराल वालों से, अपनी सास से, अपनी ननद, अपने पति से अच्छी तरह से बदला ले सकती हो। उन्हें उनके के की सजा जरूर मिलेगी, यह जादुई सूट तुम्हारी मदद करेंगे। परी की यह बातें सुनकर पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वह परी को धन्यवाद कहकर वह जादुई सूट लेकर अपने ससुराल आ जाती हैं, जिसकी मदद से वह अपने ससुराल वालों की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती हैं, इतनी पिटाई करती हैं कि उन्हें सच बोलने पर मजबूर करती हैं। तुमने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, अब तुमसे एक एक जुल्म का, एक एक अत्याचार का बदला लिया जाएगा। अपना जुल्म कबूल करो वरना हम पांचों बहनें तुम्हारी जान ले लेंगे। जमुना, नेहा और उसके पांचों बेटे अपनी जान बचाना चाहते थे, इसलिए वह अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह रेखा और सुनीता को सब सच बता देते हैं कि उन्होंने पांचों बहनों के ऊपर कितना अत्याचार किया। सुनीता पुलिस को फोन कर बुला लेती है। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार करके ले जाइए, आपको सब पता चल ही गया होगा कि इन्होंने अपनी बहुओं के ऊपर कितना अत्याचार किया। ऐसे इंसानों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए जिनके अंदर इंसानियत ही ना हो। पुलिस पूरे परिवार को पकड़ कर ले जाती है, उन्हें उनके के की सजा मिल जाती है। पूरा ससुराल जेल के अंदर चक्की पीस रहा था और सुनीता अपनी पांचों बेटियों को गले लगाती है। मेरी प्यारी बच्चियों, इतना जुल्म सहने की क्या जरूरत थी, क्या तुमने अपनी माँ को इतना कमजोर समझा था? माँ चुप हो जाइए, परी के जादुई सूट की मदद से हमें न्याय मिल चुका है, अब आप रोइए मत, अंत भला तो सब भला। पांचों बहनें अपनी माँ के साथ अपने घर आ जाती हैं और वह जादुई सूट की मदद से धन दौलत लेकर एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी और गरीबों की भी बहुत मदद कर रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाती हैं। अब उनकी जिंदगी में कोई कांटे नहीं थे, बस खुशबू ही खुशबू और फूल ही फूल थे।